क्या आप भी अपने खेतों में सब्सिडी वाला सोलर पंप लगवाना चाहते हो? लगवाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सब्सिडी दर पर सोलर पंप प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 2024 तक 2 लाख सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर सोलर पंप पर अधिकतम 90% तक सब्सिडी देती है। ध्यान रखें, सरकार ने अधिकतम शब्द का प्रयोग किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं निर्देशों का पालन करना होगा। जैसे कि आवेदक अपनी खुद की ज़मीन पर सोलर पंप लगवाने के लिए ही इसमें आवेदन करे। सोलर पंप का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मिला हुआ सोलर पंप ना ही आप बेच सकते हो। निर्धारित समय के अंदर आपको आवेदन राशि एवं शेष राशि जमा करनी होगी। शेष राशि जमा होने के बाद 120 दिन के अंदर आपके खेत में सोलर पंप लगा दिया जाता है। मान लो यदि आपके सोलर पंप में किसी प्रकार की टूट फूट या आपका सोलर पंप चोरी हो जाता है तो किसान को 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करवानी होगी और साथ में जिला कार्यालय में भी इस बात की सूचना देनी होगी। अब जानेंगे इसमें लगने वाले ज़रूरी दस्तावेजों के बारे में। जैसे कि आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, खेती योग्य भूमि के कागजात, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक, इन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी। अब जानेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। जैसे कि सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इस वेबसाइट का होम पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करने पर आपको योजना के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा और स्क्रॉल करने पर आवेदन की प्रक्रिया भी दिखाई गई है। जैसे कि सबसे पहले हमें अपना पंजीयन करवाना होगा, उसके बाद आवेदन करना होगा, आवेदन में लगे हुए डॉक्यूमेंट की जांच होगी, अगर डॉक्यूमेंट सही हुए तो हमारे खेत में पंप लगा दिया जाएगा। उसके बाद और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आने पर हमें सोलर पंप के प्रकार दिखाए जाएंगे। हमें कितना एचपी का पंप लगवाना है। जैसे हमें यहाँ पर 1 HP के 19,000 रुपये देने होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है। हमें आवेदन करने के लिए इस पेज को स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा। जैसे ही यहाँ पर हमें राइट साइड में नवीन आवेदन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इस पेज पर वही मोबाइल नंबर डालें जो आधार कार्ड से लिंक हो, और OTP पर भेजे पर क्लिक करके नंबर पर OTP भेज दिया गया है। इस तरह का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका OTP आ जाता है तो यहाँ पर OTP नंबर डालें। डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। उसके बाद इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, उस पर ओके करें। ओके करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर दी गई सारी जानकारी आपको फिलअप करना है। इस पेज में आपको नाम के लास्ट में रेड कलर के स्टार बनाई दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि इस पेज में जिस नाम के पीछे स्टार बना हुआ है उस बॉक्स को फिलअप करना अनिवार्य है। इस पेज में पूछी गई सामान्य जानकारी को सही तरह से आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करें। उसके बाद आपको एक बार और यही पेज दिखाया जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने आधार EKYC का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP मिलने पर यहाँ पर डाल लें। उसके बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में डाली गई जानकारी सभी आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपके सामने यह वाला पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी डालना है।
बैंक अकाउंट का नाम, FI कोड और खाता नंबर, ये तीन चीज़ डालना है। उसके बाद आपको नीचे बैंक खाता का नाम तथा बैंक का नाम डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे जाति वर्ग की जानकारी पूछी जाएगी, आप किस जाति से, उसको सिलेक्ट करें और मैं घोषणा करती हूँ या हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, इस पर कुछ नहीं करना है, आपको केवल नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार कार्ड से जुड़ी सामान्य जानकारी आपको इस तरह से दिखाई देगी, यहाँ पर आपको ग्रीन बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। इस पेज में आपसे जिला, तहसील, गांव और खसरे की जानकारी मांगी गई है, इसको डालकर आपको ग्रीन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पर आपकी भरी गई सारी जानकारी दिखाई देगी, इस पर आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सोलर पंप की जानकारी मांगी जाएगी, जो आपको पहले ही मैंने बताई थी, उसको आपको यहाँ पर भरनी है तथा उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जानकारी, आपने जो भी जानकारी फिलअप करी थी उसका पेज आपको दिखाई देगा, आप चाहो तो इस पेज को एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपसे एक बॉक्स पर टिक करना है, मैं घोषणा करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ID नंबर पहुँचा दी जाएगी, उस ID को आपको वापस लॉगिन करना है पोर्टल में, जहाँ पर आपको अब पैसे जमा करने होंगे बैंक या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पर आपकी जानकारी, लॉगिन करने के बाद आपकी द्वारा भरी गई जानकारी आपको दिखाई देगी, आपने कितना HP का पंप सेलेक्ट किया है और जो भी आउट टोटल अमाउंट होगा वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पे करना है, पे नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर यो ID डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालने के बाद आपका पेमेंट के लिए आपके सामने इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, आप यहां से किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हो।